ఆకస్మిక వరదలపై రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హాతో మాట్లాడి ప్రధాని మోడీ పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వరద ప్రభావితులను ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు మోడీ. मौसम के खराबी की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब जो भाविक है उनको यहाँ पर ही रुका दिया है. ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन. कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको. ऐसा भोलेनाथ की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ. उसके मर्जी बिना क्या चलता है. नहीं नहीं, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो टैंक लगते ना वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए. नदी के बाजू में टैंक थे इसलिए वो बह गए. अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूर ही वो टेंट लगाना चाहिए. वो टेंट की वजह से आदमी को नुकसान हुआ है एक्चुअली. हाँ, 2 बजे बोले थे हमारे वो सवेरे देखेंगे. अभी हमने पूछा था मिलिट्री वालों को, अगर मौसम ठीक होगा तो हम सबको छोड़ेंगे. लेकिन मिलिट्री वाले बोले कि मौसम ठीक नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते. कितने जने आप यहाँ पे? हम यहाँ पे कम 65 लोग आए. हाँ, सब महाराष्ट्र के आए, महाराष्ट्र के त्रंबक के सोच आए, ज्योतिर्लिंग के. हाँ, कल दोपहर से आए हैं हम इधर. आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे ही हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी. मौसम खराब है, वहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे ढक फुटी हो गई है ऐसे बारिश की वजह से. अब यात्रा 2-3 बाद हो गया ऐसे बताया गया. लेकिन सोचते अब क्या होगा आगे. हमें तो बहुत दुखे हो, हमारे यात्रियों में से ही थे ना, सब भगवान के मिलने के लिए दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे.